अरु का गोवा से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है। बाबा नरू गोवा में जिस जगह इवेंट करने वाले हैं उस जगह का नाम तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस जगह का नाम सुनकर आप सभी को झटका लग जाएगा, आप सब सोच में पड़ जाएंगे और एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई पवन अपनी किस्मत किस पेन से लिखवा कर आया है। जी हाँ, पवनदीप और अरुणिता इस बार जिस जगह इवेंट करने जा रहे हैं वो जगह आम नहीं है, बल्कि यहाँ हाई प्रोफाइल लोगों का आना जाना होता है। जी हाँ, इस बार पवन अरु गोवा में शिप पर धमाल मचाने वाले हैं। शिप की एक झलक देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा। जिस शिप पर पवन अरु अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं उस शिप का नाम डेल्टिल रॉयल है। जी हाँ, डेल्टिल रॉयल नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ इनकी कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है। डेल्टिल रॉयल वाकई बहुत शानदार शिप है और बहुत बड़ा शिप है। इस शिप के अंदर रहने का काफी शाही इंतजाम है और पवन अरु आज की रात इस शिप में धमाल मचाएंगे और हर शाही सुविधा का आनंद उठाएंगे। तो आज रात आप सब तैयार हो जाएं पवन अरु के साथ नए साल का वेलकम करने के लिए। पवनदीप अरुणिता गोवा में पहुंच चुके हैं और इस बार पवन अरु दोनों नए साल का जश्न सेलिब्रेशन गोवा में करेंगे। गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी खास अंदाज में होता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। भारत में नया साल मनाने के लिए कई ऐसी जगह जो काफी फेमस हैं। इन जगहों पर नए साल के मौके पर पार्टी, कई तरह के इवेंट और मस्ती होती है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कई फेमस शहरों में से एक गोवा का नाम भी शामिल है। गोवा में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। गोवा खूबसूरत बीच के लिए फेमस है, इन्हीं बीच पर न्यू ईयर की पार्टी का आयोजन होता है। नाच गाने, मिठाई खाने पीने के साथ गोवा की पार्टी काफी मजेदार होती है। गोवा में न्यू ईयर पर नाइट क्लब पार्टियां भी होती हैं। यहां लोग इस मौके पर मुफ्त में नाइट क्लब पार्टियां एंजॉय करते हैं। शाम में समंदर किनारे रेत पर पार्टियां होती हैं। अब पवन अरु को क्या सरप्राइज देने वाले हैं? इतनी खूबसूरत जगह पर गए तो यकीनन पवन भी कुछ नया सरप्राइज देने वाले होंगे। न्यू ईयर पर पवन ने अरुणिता के लिए क्या कुछ प्लानिंग की है वो भी जल्द पता चल जाएगा। जल्द इनकी न्यू ईयर की फोटोज और वीडियोस हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। वैसे पवन अरु गोवा एयरपोर्ट पर तो पहुंच चुके हैं, जिसकी फोटो हम आपको दिखा चुके हैं। जल्द ही इनके नए फोटोज भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। इनके अलावा पवन का चंपावत से भी एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पवन चंपावत में कई दोस्तों के बीच में बैठकर रात के अंधेरे में अपने गिटार के साथ गाना गा रहे हैं। लोग पवन की आवाज सुनकर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उनके दोस्त उनकी तारीफ कर रहे हैं। अपने फैंस और दोस्त की डिमांड पवन हर वक्त पूरी करते रहते हैं। उनके लिए हर वक्त खुद को तैयार रखते हैं। अब देखना होगा कि वो अरुणिता के लिए न्यू ईयर पर क्या करने वाले हैं। वेल, आप अगर पवन अरु के न्यू ईयर वीडियो और फोटोज देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुरों के सरताज पवनदीप राजन में वाकई कमाल का टैलेंट है। आवाज में तो मिठास है ही, अपनी आवाज की वजह से ही पवन ने पूरे देश और दुनिया में अपना सभी को दीवाना बना दिया। इसके अलावा वो कई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं। गिटार पर उंगलियां रखते हैं तो लोग उनके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तबले पर हाथ फेरते हैं तो लोग उनके हाथों से नजरें ही नहीं हटा पाते। और ड्रम बजाते हैं तो सबके सब पवन को देखते रह जाते हैं। एक बार फिर पवन ने गिटार पर ही तबला बजा दिया। जी हाँ, पवन की एक वीडियो निकल कर सामने आई है। इस वीडियो में पवन बेड पर लेटे होते हैं, तभी उनसे कोई गिटार बजाने को कहता है। अब वो बेड पर लेटे लेटे गिटार तो बजा नहीं पाते हैं, तो वो एक नए अंदाज में गिटार को बजा कर रख देते हैं। पवनदीप गिटार को बेड पर लिटार कर उस पर तबला बजा देते हैं। गिटार पर तबले की धुन वाकई कानों को बहुत अच्छी लगती है। पवनदीप की ये वीडियो पुरानी है, लेकिन उनके टैलेंट एक एक करके अब निकल कर सामने आ रहे हैं। देखा जाए तो पवनदीप के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, वो हर काम को बहुत दिलचस्पी से और सुकून से करते हैं। भाई पवनदीप के करियर की बात करें तो पवनदीप अभी तो इवेंट ही कर रहे हैं और लगातार उन्हें कई ऑफर मिले हैं। ऑक्टोपस की टीम की तरफ से वो कुछ म्यूजिक वीडियो भी बना चुके हैं, दो रिलीज भी हो चुके हैं गाने उनके। बहुत जल्द इनका तीसरा गाना भी रिलीज होने वाला है। पवन अरु इस वक्त उत्तराखंड में स्पेशल टाइम बिता रहे हैं। कल रात इनकी एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें ये दोनों आग के सहारे बाहर बैठकर गाना गाते देखे गए थे। खुले आसमान के नीचे इन्होंने काफी देर तक गाने गाए।
और परिवार के साथ वक्त बिताया। वहीं इनके अलावा एक बर्थडे वीडियो भी निकल कर सामने आई है। हम आपको बता चुके हैं कि इनके ना होने पर ऑक्टोपस टीम इन्हें बहुत मिस कर रही है और लगातार पवन अरु की खूबसूरत यादें शेयर कर रही है। फिर से ऑक्टोपस टीम ने एक खूबसूरत वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में पवन अरु का झूठा केक खाती भी दिख रही है। ये वीडियो काफी पुराना है। ऑक्टोपस के एक शख्स का बर्थडे सेलिब्रेट करने पवन अरु दानिश आइली पहुंचे थे। ये सब खूब मौज मस्ती करते हैं और बर्थडे को स्पेशल बना देते हैं। वो शख्स पवन को पहले केक खिलाता है और फिर वही केक अरुणिता को भी खिलाता है और अरुणिता इस बर्थडे पार्टी में खूब मौज मस्ती करती है। अरुणिता की हर तरफ तारीफ हो रही है। वाकई अरुणिता तारीफ के काबिल हैं भी। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एक म्यूजिकल फैमिली में 18 जनवरी 2003 को अरुणिता का जन्म हुआ था। सुरो की समझ अरुणिता को अपनी माँ से विरासत में मिली है। अरुणिता के पिता अवनी भूषण कांचीलाल एक प्रोफेसर हैं, तो उनकी माँ शर्वानी कांचीलाल सिंगर हैं। अरुणिता हमेशा माँ को गाते हुए देखती थी। 2.5 साल की उम्र में ही वो संगीत में रुचि लेने लगी और सिर्फ 4 साल की उम्र में ही अरुणिता की म्यूजिकल ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी। लता मंगेशकर, आशा भोसले, श्रेया घोषाल को अरुणिता अपना आइडल मानती हैं और क्लासिकल और सेमी क्लासिकल गाने उनकी पहली पसंद है। क्या जानते हैं आप कि इससे पहले भी अरुणिता की आवाज का जादू खूब चला था। वो कई खिताब अपने नाम कर चुकी हैं, जिसमें से एक सारेगामा लिटिल चैंप्स के चैंपियन का खिताब भी है। जी हाँ, अरुणिता ने जी बांग्ला पर आने वाले म्यूजिकल रियलिटी शो सारेगामा लिटिल चैंप्स बांग्ला में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने इस शो को जीता भी था। सोशल मीडिया पर भी अरुणिता का जबरदस्त जलवा दिखता है। इंस्टाग्राम पर उनके 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। और जब से इंडियन आइडल 12 की फर्स्ट रनर अप बनकर अरुणिता निकली है, तब से वो पूरे देश और दुनिया में फेमस हो चुकी हैं। सोलो परफॉर्मेंस हो या फिर ड्यूट परफॉर्मेंस, अपना 100% देकर अरुणिता हर चुनौती का सामना करती हैं। फैंस दोनों को बहुत पसंद करते हैं। पवनदीप अरुणिता की जोड़ी को फैंस ने अरुदीप नाम भी दे दिया है। वहीं शो के मेकर्स भी इनकी लव स्टोरी को खूब बुना चुके हैं। वैसे पवन अरु पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि इनके बीच प्यार जैसा कुछ नहीं है, ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त ही हैं। इतना ही नहीं, शो के होस्ट आदित्य नारायण ने भी साफ कह दिया था कि अरुदीप की टांग खिंचाई करना सिर्फ मस्ती मजाक का ही हिस्सा है। पवनदीप के साथ फुर्सत गाने में एक्टिंग ना करके कहीं ना कहीं अरुणिता को बहुत पछतावा फील हुआ। जिस तरह से टीम और लोगों ने उनके खिलाफ बातें की, उसने शायद अरुणिता को और मजबूत बना दिया, जिसके बाद अरुणिता और उनकी फैमिली को अपना डिसीजन बदलना ही पड़ा।